हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आपके विश्वविद्यालय बोले तो मगध विश्वविद्यालय से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ, रिजल्ट से संबंधित यह अपडेट है। आप सभी महीनों से इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, तो इंतजार की घड़ी खत्म होने के कगार पर है। तो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में साझा करने वाला हूँ, तो अंत तक हमारे साथ बने रहोगे। और चैनल पर अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके विश्वविद्यालय एवं कॉलेज की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँचाने का काम किया जाता है दोस्तों। और साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, आपको जो भी सब्जेक्ट का, जी हाँ, पार्ट टू एवं पार्ट थ्री के किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स या सजेशन चाहिए, तो आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और उस सब्जेक्ट का नाम लिख देना है जिस सब्जेक्ट का नोट्स या सजेशन चाहिए। और सब्जेक्ट का नाम लिखते ही आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं अभी थंबनेल, बाकी सब्जेक्ट का मनोविज्ञान, इसके बाद क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, तो इन सभी का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है हमारे चैनल पर जो कि प्लेलिस्ट में है। यदि आप इन सभी वीडियो को बारीकी से देख लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं बनने वाले, ये मैं लिख के देता हूँ। और यदि आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट सजेशन चाहिए तो हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। बीएससी बीकॉम पार्ट वन और बीएससी बीकॉम पार्ट टू वाले बच्चे अंत तक बने रहोगे हमारे साथ, क्योंकि आज के इस वीडियो में रिजल्ट से जुड़ी सारी जानकारी मैं साझा करने वाला हूँ। और प्यारे दोस्तों, ये जो पेपर कटिंग देख रहे हैं, कल काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, सभी विद्यार्थियों के व्हाट्सएप पर यह पेपर कटिंग मुझे देखने को मिल रहा था। आखिर इस पेपर कटिंग में क्या है खास बात, तो सारी जानकारी मैं साझा करूंगा। और पार्ट वन वाले बच्चे अंत तक बने रहोगे हमारे साथ धैर्यता के साथ। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पेपर कटिंग देखते हैं, क्या है पेपर कटिंग की सच्चाई। मगध यूनिवर्सिटी की परीक्षा शाखा तैयारी में जुटी है। मगध यूनिवर्सिटी जो है बिहार में जो है एक अपना पहचान रखता है। जी हाँ, काफ़ी चर्चित हैं, काफ़ी चर्चा में रहने वाले ये यूनिवर्सिटी हैं। इनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, इनके बारे में आप लोगों की भी भलीभांति पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये परीक्षा की तैयारी में जुटी हुई है, जनवरी में ही ली जाएंगी पीजी व वोकेशनल कोर्सों की परीक्षा। यदि जनवरी में पीजी व वोकेशनल कोर्सों की परीक्षा नहीं ली जाती है तो फरवरी में किसी भी हालात में जो है एग्ज़ाम नहीं हो सकती है, क्योंकि फरवरी में मैट्रिक और इंटर वालों का एग्ज़ाम है। तो कहीं ना कहीं जो है आप सभी का जो है ये एग्ज़ाम जो होने वाली है, जनवरी में ही किसी भी हालात में ले लिया जाए। इसके प्यारे दोस्तों, स्नातक पार्ट थर्ड की जब बात आती है तो बिहार के अधिकांश विश्वविद्यालय में जो है पार्ट थ्री, स्नातक पार्ट थ्री का एग्ज़ाम भी ले लिया गया और रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया गया है। परंतु हमारा मगध विश्वविद्यालय में 2018 और 21 वाले विद्यार्थियों का जो है अभी तक एग्ज़ाम नहीं लिया गया। और कहीं ना कहीं पेपर में ये भी बताया जा रहा है कि परीक्षा में हो सकती है देर, तो आखिर कितना देर होगा, क्योंकि 2018 और 21 सेशन की जब बात करें तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय बिहार में ही एक विश्वविद्यालय है जिन्होंने रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया है 2018 और 21 सेशन वालों का। परंतु यहाँ पर मगध विश्वविद्यालय की जब बात आती है तो यहाँ पर जो है अभी तक एग्जाम के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है, तो समझ सकते हो कि आप लोगों का सेशन कितना पीछे जा रहा है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, स्नातक पार्ट टू का रिजल्ट प्रकाशित नहीं होने से नहीं हो पा रही है पार्ट थ्री की परीक्षा की प्रक्रिया। तो आखिर स्नातक पार्ट टू का रिजल्ट प्रकाशित होगा कब, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। वेबसाइट पर भी जाके हम लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि कैसे आप रिजल्ट देखने का प्रयास कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हैं रिजल्ट से जुड़ी जानकारी दी गई है, स्नातक पार्ट टू परीक्षा में हो सकती है देरी, ठीक है। लेकिन स्नातक पार्ट थ्री सत्र की बात करें, 2018 से 21 के आयोजन के लिए नवंबर आयोजित स्नातक पार्ट टू की परीक्षा रिजल्ट का प्रकाशित होना अनिवार्य है, ताकि स्नातक पार्ट टू की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के स्नातक पार्ट थ्री के परीक्षा फॉर्म भराए जा सके, उसके बाद ही परीक्षा का आयोजन किया जा सके। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि पार्ट टू की कॉपियों की जाँच की जा रही है, अभी तक कॉपी के यहाँ ही मूल्यांकन हो रहा है, यानी कि जाँच की जा रही है, और जल्द ही रिजल्ट प्रकाशित कर स्नातक पार्ट थर्ड के लिए परीक्षा फॉर्म जमा कराए जाएंगे। उम्मीद है कि स्नातक पार्ट थर्ड की परीक्षा फरवरी में ली जा सकती है। देखिए, स्नातक पार्ट थर्ड की परीक्षा फरवरी में ली जा सकती है, मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से नहीं लगता, क्योंकि फरवरी में मैट्रिक व इंटर वालों का एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम में जो है बहुत सारे मतलब सर लोग भी इन्वॉल्व रहेंगे, बहुत सारे कॉलेजों में जो है एग्ज़ाम मतलब लिया जाएगा, तो जिसके वजह से मुझे नहीं लगता कि पार्ट थ्री का एग्ज़ाम फरवरी में लिया जा सकता है, ठीक है। तो पार्ट टू का रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक कॉपी का जाँच किया जा रहा है, ठीक है। कॉपी का मूल्यांकन होते ही जल्द उम्मीद है कि जनवरी के लास्ट वीक तक में आप सभी का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। वहीं पार्ट वन की बात कर ले तो पार्ट वन वाले बच्चों, आप सभी का जब रिजल्ट की बात आती है यहाँ पर, तो
बहुत सारे विद्यार्थियों का रिजल्ट पार्ट वन का नहीं प्रकाशित किया गया है, ठीक है। उम्मीद है कि इसी सप्ताह में आप सभी का भी रिजल्ट प्रकाशित किया जा सके, क्योंकि हम अभी सर से कॉन्टैक्ट बना रहे हैं परंतु कोई उधर से रिप्लाई नहीं आ रहा है। बहुत सारे छात्र संगठन से भी हम जानकारी लेने का काम कर रहे हैं परंतु कोई भी जानकारी मुझे हाथ नहीं लग रही है पार्ट वन रिजल्ट से जुड़ी हुई। जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आप सभी को चैनल के माध्यम से शेयर करने का काम करूँगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ भी आप सभी को ऐड हो जाना है ताकि आप कोई भी सवाल कर सके, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, वहाँ पे आप कोई भी जानकारी हमेशा कॉलेज की प्राप्त कर सको। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।